ओके वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये उसी से रिलेटेड है। सेम आपको क्या करना है, पहले वेरिएबल को सेपरेट करना है, देन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको रिमेम्बर हो तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एड सब्ट्रैक्ट किया था और सेकेंड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो अब हमें वो दोनों साथ में यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लस माइनस को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड पे वर्क करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आप ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है, ठीक है। तो पहले हम माइनस वाले इक्वेशन को सॉल्व, माइनस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करोगे, माइनस टू दिया हुआ है तो हम उसका अपोजिट करते हैं, प्लस टू करते हैं, मतलब एड करते हैं टू दोनों साइड पे। सो फर्स्ट क्या बनेगा, एड टू और बोथ साइड। सबसे पहला काम ही आपने ये करना है, पहले आप डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले आप क्या करोगे प्लस माइनस वाला पार्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 3n-2 दिया हुआ है और क्या करना है, ऐड करना है 2, तो प्लस कर देंगे 2, 46 में भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 2, क्योंकि हमें क्या करना है दोनों साइड पे सेम नंबर को एड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, आपका यहाँ पे वेरिएबल हो गया अलग, ठीक है। लेकिन अभी अलग नहीं हुआ, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया। अब मल्टीप्लाई में होता है तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो किससे करेंगे, 3 से दोनों साइड्स को, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, राइट। सो 3n = 48, सेम इक्वेशन को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा, वेरिएबल हो गया सेपरेट। नाउ 3 1 3 3 6 18, तो एन क्या आ गया आपका 16। तो सबसे पहला काम क्या है, प्लस माइनस सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद डिवाइड या मल्टीप्लाई वाला पार्ट करोगे। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे प्लस का 7 है, अब प्लस का 7 है तो इट मीन्स हमें 7 को क्या करना पड़ेगा, इसमें से सबट्रैक्ट। तो फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, सबट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, करेक्ट। सो 5m + 7 - 7, ठीक है, और इधर से भी -7, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा 5m, 17 - 7 क्या रह जाएगा आपका 10। अब ये भी क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड, किससे डिवाइड करोगे, 5 / 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, देन डिवाइड बाय 5 से 5 कट हो जाएगा, वेरिएबल हो गया आपका सेपरेट, ठीक है। 5 2 10, तो एम क्या आ गया आपका 2, ओके। आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, प्लस माइनस को सॉल्व करना है, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, सी एंड डी पार्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड है। अब आपकी चॉइस, आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दोनों साइड्स को और पहले डिवाइड भी कर सकते हो, ओके। सो पहले हम देखते हैं क्या करते हैं, हम पहले इस 3 को खत्म करते हैं, 3 को है डिवाइड में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 3 डिवाइड में तो दोनों साइड्स को 3 से क्या करना पड़ेगा, अपोजिट उसका, मतलब मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, अब क्या करेंगे दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 3 से 3 कट हो जाएगा, यहां क्या रह गया 20p = 120। नाउ 20p क्या है मल्टीप्लाई में, अब हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। सो डिवाइड किससे करेंगे, 20 से, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो 20p = 120 दिया हुआ है, दोनों को क्या करेंगे 20 से डिवाइड, 20 से 20 कट हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसको कट कर दो 0 से 0, 2 6 12, तो p की वैल्यू आ गई 6। सेम इसी केस में होगा, डिवाइड में क्या दिया हुआ है 10, तो पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सो 3p / 10 = 6 दिया हुआ है, क्या करेंगे 10 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई।
होता है फाइन। 10 से 10 कट, क्या आ गया आपका 3p इज इक्वल टू 60। अब क्या है मल्टीप्लाई में 3p के साथ, अब क्या कर देंगे इसे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इक्वेशन सेम लिखेंगे पहले और दोनों को क्या करेंगे 3 से डिवाइड, 3 से 3 कट हो गया, p वेरिएबल सेपरेट हो गया आपका। नाउ 3 टू जा 6, तो क्या आ गई आपकी p की वैल्यू 20। ओके, सो जो a और b पार्ट था उसमें पहले हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्शन एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन तो था नहीं, तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को किया। यहाँ पे कोई ऐसा फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि आपको पहले मल्टीप्लाई ही करना है या पहले डिवाइड ही करना है, चॉइसेस योर्स। आप दोनों में से कोई भी चीज पहले कर सकते हो जो आपको इजी लगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।